हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक ट्यूबन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले रिलायंस शेयर्स के बारे में, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं रिलायंस शेयर्स के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस शेयर्स कितने पे ट्रेड करते हुए दिख रही है। यहाँ पे रिलायंस शेयर राइट नाउ 2342 पे ट्रेड करते हुए दिख रही है। रिलायंस में अच्छी तेजी थी मार्केट में, अब देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी, अचानक से जो निफ्टी का ये डाउन ट्रेंड क्रिएट होते हुए दिखा, मतलब आज बहुत गंदा डाउनफॉल होते हुए दिखा यहाँ से। तो जो ये डाउनफॉल होते हुए दिखी उसके बाद यहाँ पे भी एक अच्छा सिचुएशन क्रिएट होते हुए दिखा, जहाँ पे ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी नेगेटिव में आने ही वाली थी, बट लास्ट में थोड़ा सा रिकवरी मिल गया। ये तो रिलायंस से रिलेटेड बात थी, बट रिलायंस को और भी ज्यादा अगर डिटेल में हम लोग छानबीन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस अभी के टाइम में 60.61% की होल्डिंग्स बना रही है। और मैं आप लोग को पुरानी वीडियो में भी बताया था, लगातार वीडियो अपलोड होती रहती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो में भी बताया था रिलायंस का बाइंग करने का बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे बात करें रिलायंस शेयर्स पे, तो देख सकते हैं रिलायंस किस तरीके से फ्लो मेंटेन की हुई है मार्केट में। जस्ट वेट, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा मनी कंट्रोल की तरफ से, क्योंकि थोड़ा सा नेट में भी कुछ दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो रिलायंस में एक अच्छा खासा डाउनफॉल होते हुए दिख चुका है, और अभी के टाइम में जो 2345 के रेंज में आती है वो बहुत ही स्ट्रांग एरिया बन रही है। इनफैक्ट यहाँ एक ऐसा वक्त आ रहा है कि यहाँ से किसी भी वक्त रिकवरी ले सकती है, बट यहाँ पे एक और सपोर्ट जो है 2200 वो तो बहुत ही मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कि मतलब वो ब्रेक होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। बट यहाँ पे अगर हम लोग ऑल ओवर चीज पे ध्यान दें, पहले किस तरीके से अपने ट्रेंड को क्रिएट की, फिर अभी ये डाउन ट्रेंड फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे हमारी जो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन जाती है 2300 के बीच में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। बट यहाँ पे 2325 का रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप यहाँ पे बाइंग करना एक बेस्ट ऑप्शन भी बन सकता है अभी के टाइम में, मतलब अगर आप इस पॉइंट पे बाइंग उठाते हैं तो मे बी हो सके बेस्ट ऑप्शन बन जाए, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट करके चांसेस बन सकता है इधर से तेजी बनाएगी। और ये 2380 पे के बीच का रेंज जो बहुत अच्छा कंसोलिडेट करते हुए दिख सकती है, और अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर देती है तो ज्यादातर चांसेस बन रही है कि यहाँ से, मतलब 80% चांसेस बन रही है कि यहाँ से तेजी बनाएगी और डायरेक्टली वो अच्छा खासा ऊपर जाते हुए दिख सकती है, और इनफैक्ट यहीं पे नहीं खत्म होगी, 2700 तक जाने का चांसेस है। और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। आईडीसी की भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इनफैक्ट आई बटन पे भी मिल जाएगी। एंजिन की भी फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।